إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب مناته النوم بالنهار يقول الصيام أي رب مناته النعام مناته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن أي رب إني منعته النوم في الليل فشفئني فيه فيقال فيشفئان رواه أحمد وفي صحيح الجامع رقم الحديث 3882 دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے محترم حضرات بزرگوں عزیز بچوں خواتین اسلام پیاری ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف توصیف بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں بعدہ لاکھوں کروڑوں بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر خصوصاً آخری نبی جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے محترم حضرات آپ تمام حضرات نے سوشل میڈیا کے ذریعہ سے پتہ ہی کر لیا ہوگا کہ آج جو خطبہ جمعہ کا عنوان ہے وہ ہے رمضان قرآن اور ہم
देखिए माहे शाबान की आखिरी तारीखों से हम और आप गुजर रहे हैं। बस माहे शाबान की लास्ट स्टेज में हम और आप सांस ले रहे हैं और इसके बाद जो महीना आने वाला है वो माह रमजानुल मुबारक का महीना है, जिसे हम और आपको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है। और क्यों ना हो, माह रमजानुल मुबारक का महीना जो है ये साल के 12 महीनों से बिल्कुल अलग है। आप कुरान मजीद पढ़ जाइए, सूरह फातिहा से सूरह नास तक तिलावत कर जाइए, आपको तो इस बात ये बात मालूम हो जाएगी कि साल में 12 महीने होते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, इन इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह, अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी किताब के अंदर तो बतला दिया, लेकिन उन 12 महीनों में जिस महीने का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र किया है वो माह रमज़ान का महीना है। आप अंदाजा लगाइए कि इस महीने का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए फरमाया, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमजान माह रमजान का महीना वो मुबारक महीना है जिसके अंदर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। रमजान के अलावा किसी और महीने का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नहीं लिया है। ये माह रमजान ये साल के 12 महीनों से इसका मामला अलग है। ये महीना नेकियों का सीजन है, ये महीना मगफिरत का महीना है, यही महीना है जिसकी हर रात आसमान के दो फरिश्ते ये ऐलान करते हैं, या बागी अल खैर अकबिल, ए भलाई के चाहने वाले, ए जन्नत के तलबगार, ए अल्लाह के बंदो, ए नेकियों के तलबगार, आगे आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा नेकियां कर लो, अच्छाइयां कर लो, भलाई के काम कर लो, जन्नत को हासिल कर लो, अपनी मगफरत करवा लो, तौबा कर लो। वया बागी शर अदबर, वया बागी शर अक्सर, और ए बुराई के तलबगार, ए बुराई करने वाले, ए गुनाह में मुलविस इंसान, बुराई से बाज आ जा। ये महीना, ये मुबारक महीना, ये माह रमजान का महीना बुराई करने का महीना नहीं है। ए बुराई करने वाले, ए गुनाह करने वाले, ए गाफिल इंसान, तो इससे बाज आ जा। ये आसमान के दो फरिश्ते ये नजर लगाते हैं, ये वही महीना है। मोहतरम हजरात, ये वो महीना है जिसे पाकर, जिसे पाने के बाद अगर आदमी अपनी मगफरत ना करवा ले तो वो बड़ा ही बदकिस्मत, बड़ा ही बदबख्त और बड़ा ही बदनसीब है। जिस आदमी को रमजान मुबारक का महीना मिल जाए और माह रमजान के रोजे रखकर, माह रमजान में कुरान मजीद की तिलावत करके, माह रमजान में इन्फाक फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में खर्च करके, माह रमजान में लोगों को इफ्तार करा के, माह रमजान में कयामुल लैल का एहतमाम करके आदमी अपनी अगर मगफरत ना करवा ले तो वो आदमी बड़ा ही बदनसीब, बड़ा ही बदकिस्मत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में वो लानती है। और मैं ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मेरा अपना कौल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काब बिन उजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया, उहुजुरुल मिंबरा, मिंबर के करीब आ जाओ। मिंबर के पास सहाबे किराम इस्तमा हो गए, सहाबे किराम इकट्ठा हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर चढ़ते हैं, मिंबर के पहले जीने पर कदम रखते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मिंबर पर दूसरे
जीने पर कदम रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे जीने पर, मिंबर के तीसरे जीने पर कदम रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। सहाबे किराम ने फरमाया ऐ अल्लाह के रसूल, आज हमने आपके जुबान मुबारक से ऐसी बात सुनी है जिसे आप पहले नहीं कहा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, हमारे पास जिब्रील अमीन का नुज़ूल हुआ, हमारे पास जिब्रील आए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जिस भी मुसलमान के पास आपके नाम का जिक्र हो, जहां आपका नाम लिया जाए और आपका नाम आने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़ा जाए, जो आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पढ़े, जो दरूद ना भेजे आप पर, ऐसे आदमी के नाम खाक आलूद हो, ऐ अल्लाह के नबी आप कहिए आमीन। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम कहलवा रहे ऐ अल्लाह के रसूल, जिस मुसलमान के पास, जिस मोमिन के पास आपके नाम लिया जाए, आपके नाम का जिक्र हो और लोग दरूद न भेजे, ऐ अल्लाह के नबी ऐसे आदमी की नाक खाका लूद हो, ऐसा आदमी बदबख्त है, बदनसीब है, ऐ अल्लाह के रसूल आप आमीन कहिए। तो मैंने कहा आमीन। अल्लाह के नबी सल्लम दूसरे जीने पर कदम रखा, अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया आमीन। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, जिब्रील अमीन आए और फरमाया मन दखल अलैहि रमजान रहमा अनफ रजुल रहमा अनफ रजुल दखल अलैहि रमजान सुम्मन सलखा क़बल अन युग़फ़र लहू। जिब्रील अमीन आए, मुझसे कहा अल्लाह के रसूल, जिस भी मुसलमान को माह रमजान का महीना मिल जाए, रमजान मुबारक का महीना मिल जाए और वह आदमी रोज़ा रख करके, वह आदमी अल्लाह से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, तौबा इस्तगफार करके अपने आप की मगफरत न करवा ले, ऐ अल्लाह के रसूल उसकी ना खाक आलूद हो, वो बर्बाद हो जाए, ऐ अल्लाह के रसूल आप आमीन कहिए। अल्लाह के रसूल ने कहा आमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे जीने पर कदम रखा, फरमाया आमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया सुनो, हमारे पास जिब्रील अमीन आए और उन्होंने फरमाया रगम अनफ रजुल अदरक अबवाहुमा अदरक अबवाहु इंदहु औ अहदुहुमा फलम युदखिलाहुल जन्ना। मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने वालिदैन को या माँ बाप में से एक को बुढ़ापे की हालत में पाया हो और उनकी खिदमत करके, उनकी अताअत और फरमा बरदारी करके, उनकी खिदमत गुजारी करके जन्नत ना पा लिया हो, ऐ अल्लाह के रसूल उसकी ना खाक आलूद हो, ऐ अल्लाह के रसूल आप आमीन कहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो ऐसे तीन किस्म के लोग इस हदीस की रोशनी में बदकिस्मत है, बदबख्त है, लानती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि उन्हें बुरा भला कहा है जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया हो और रमजान मुबारक का रोजा न रख करके, माह रमजान में कुरान की तिलावत न करके, नेकियां करना करके अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक न बना लिया हो, अपने आप की मगफरत न फरमा लिया हो। मोहतरम हजरात, ये मुबारक महीना वो महीना है, माह रमजान का महीना वो महीना है जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए लौ यालमुल इबादु मा फीही रमजाना, अगर बंदों को मालूम हो जाए कि रमजान का एक खैर और बरकत कितनी है, माह रमजान कितना मुबारक महीना है, अगर लोगों को मालूम हो जाए लतमन्नत अयकून सनत कुल्लहा, तो ये मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करेगी, मेरी उम्मत ये ख्वाहिश करेगी कि काश पूरा साल, काश कि पूरा 12 का 12 महीना माह रमजान मुबारक का महीना होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए, शोबुल ईमान की रिवायत है कि मेरी उम्मत ये जान ले कि माह रमजान के खैर बरकत कितने हैं, ये कितना बाबरकत महीना है, तो मेरी उम्मत इस बात का तकाजा करेगी, इस बात की आरजू करेगी कि पूरा साल यानी साल के 12 महीना माह रमजान मुबारक का महीना हो जाए। मोहतरम हजरात, ये महीना माह रमजान मुबारक का महीना, ये आने वाला महीना ऐसा महीना है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर देते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक फी रजब व शाबाना व बल्लिगना रमजान,
अल्लाह के नबी दुआ करते, अल्लाह मेरे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, अल्लाह माहे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और मुझे रमजानुल मुबारक के महीने तक पहुंचा दे। ये वो महीना है कि जब ये महीना आता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम को मुबारकबाद देते, मुबारकबादियां पेश करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, इज़ा दखला रमजान, जब माह रमजान का मुबारक महीना आता दाखिल होता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते शहर मुबारक, ये मुबारक महीना है, ये महीना आपको मुबारक हो। फरज अल्लाह अलैकुम सियामहु, अल्लाह ने इसका रोजा फर्ज किया है। तुफ्तो फीही अबवाबुल जन्ना, इस महीने के अंदर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुफ्तो फीही अबवाबुस समा, इस महीने के अंदर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। व तुगलकु फीही अबवाबुल जहीम, कितना बर्बाद महीना है, कितना प्यारा महीना मुसलमानों, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए इस महीने के अंदर, जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुबारक रमजान के महीने में जहन्नम का दरवाजा बंद हो जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आसमान के दरवाजे खोलने का मतलब क्या है? क्या आपने कभी गौर किया? क्या आपने कभी सोचा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? इसका सीधा साधा मतलब यह है, अगर गौर करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि आसमान का दरवाजा खुलने का मतलब यह है कि अब आसमान से बदी, अब आसमान से अजाब नाजिल होने वाला नहीं है, ये नेकियों का महीना है, ये खैर बरकत का महीना है। अब इस महीने के अंदर माह रमजान के अंदर जब आसमान से कोई चीज नाजिल होगी, जब कोई चीज उतरेगी, तो वो हमारे हक में बुरी नहीं होगी, बल्कि वो चीज रहमत होगी, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत का नुजूल फरमाएगा। और एक माना यह भी है कि ये महीना नेकियों का सीजन है, ये महीना नेकियों का कमाने का एक गोल्डन चांस है, एक बेहतरीन मौका है। अल्लाह के बंदों के जब नामे आमाल आसमान की तरफ चढ़ेंगे तो वो अच्छे आमाल, वो नेक आमाल, वो बेहतर आमाल जो एक आदमी, एक मुसलमान, एक मोमिन रोजे की शक्ल में कमाएगा, इफ्तार की शक्ल में कमाएगा, कयामुल लैल की शक्ल में कमाएगा, या कुरान मजीद की तिलावत की शक्ल में कमाएगा, ये नामे आमाल आसमान की तरफ, उसके अच्छे और नेक आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ चढ़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात और फरमाते हैं وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَتُ الشَّيَاطِينِ, ये मुबारक महीना ऐसा है जिसके अंदर शरकश शैतानों को जकड़ दिया जाता है, शरकश शैतानों को बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि अल्लाह के बंदों को बहका न सके। ओ गाफिल इंसानों, इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतानों को जकड़ दिया है। हमारे नफ्स कब रुकेंगे गुनाह से, हमारे नफ्स कब बाज आ जाएंगे बुराई से, हमारे नफ्स कब मायल होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की तरफ, हमारे नफ्स कब रुकेंगे बुराई से, कब बाज आ जाएंगे? इस महीने के अंदर यानी माह रमजान के अंदर तो आसमान है तो ये शैतान बंद कर दिए गए, शैतान को कैद कर दिया जाता है। अब शैतान हमें और आपको बहका नहीं सकता, लेकिन हमारा नफ्स जो बुराई करते करते आजिज हो गया है, जो नमाज की तरफ नहीं रागिब करता, हमारा नफ्स ये जो बुराई की तरफ बढ़ गया है, ये हमारा नफ्स कब ये नेकी की तरफ पलटेगा, हमारा नफ्स कब बाज आ जाए? बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, ये सवाल बारहा पेश आता है कि मुनी साहब जनाब शैतान तो बंद हो गया रमजान के मुबारक महीने में, फिर भी लोग रोजा क्यों नहीं रखते, फिर भी लोग कुरान मजीद की तलावत क्यों नहीं करते, फिर भी लोग क़यामुल लैल से दूर क्यों है, तरावीह की नमाज क्यों नहीं पढ़ते, शैतान तो बंद हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह के नबी का फरमान झूठा है? नहीं मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फरमान झूठा नहीं है, यकीनन शैतान बंद कर दिया गया, शैतान को कैद कर दिया गया है, लेकिन हमारा नफ्स जो साल के 11 महीना में बुराई करते करते बहुत आगे बढ़ गया है, जो हमारा नफ्स अम्मारा जो है बुराई की
तरफ रागिब कर रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे एक सांप काटता है तो क्या सांप के काटने के बाद उसका जख्म या उसका दर्द खत्म हो जाता है? नहीं, बल्कि सांप का दर्द बहुत दिन तक या बहुत देर तक कायम रहता है। इसी तरीका से गुनाह करते करते हम इतने आगे बढ़ गए, इतने हमारे कदम आगे बढ़ गए हैं कि अब ये रमजान मुबारक का बाबरकत महीना भी शुरू हो जाता है। इसके अंदर शैतान को बंद भी कर दिया जाता है, शैतान को जकड़ भी दिया गया है, कैद भी कर दिया गया है, लेकिन हमारा नफ्स बुराई में इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि वो नेकी की तरफ रागिब नहीं होता है। तो मोहतरम हजरात, शैतान को बंद कर दिया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला इस हदीस के अंदर और फरमाते हैं, वलिल्लाहि वफीहि लैलतुल खैर मिन अल्फ शहर मन हुरिमा खैरहा फकद हुरिमा। इस महीने के अंदर एक रात ऐसी है जो हजार महीनों से बेहतर है, जो उसकी खैर व बरकत से महरूम हो गया, जो लैलतुल कद्र के खैर व बरकत से महरूम हो गया, वो बहुत सारी नेकियों से, बहुत सारी भलाइयों से महरूम हो गया। मोहतरम हजरात, ये लैलतुल कद्र का दिन, ये लैलतुल कद्र की रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, याद रखिएगा, उम्मत मोहम्मदिया को नसीब फरमाया है। उम्मत मोहम्मदिया से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह रात किसी को अता नहीं किया था। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह थी, आप गौर कीजिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 1000 साल थी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 950 साल थी। पहले लोगों की उम्रें ज्यादा हुआ करती थी और अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, अल्आमार उम्मती मा बैन 60 व 70, मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 साल है। आदमी जो 90-95 साल की उम्र को पहुंच जाता है वो अपने आप को खुशनसीब समझता है। इन कम मुद्दत में, इन कम वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको नेकियों कमाने का, अच्छाइयाँ कमाने का, अदर व सवाब को हासिल करने का एक गोल्डन चांस लैलतुल कद्र के शक्ल में नसीब फरमाया है। मोहतरम हजरात, ये रात भी माह रमज़ान की आखिरी आखिरी अशरे की ताक रातों में आती है, इसलिए जब ये रात मिले तो हम तमाम हजरात को चाहिए कि इस रात के कदर व मंजिलत को समझते हुए इसके खैर व बरकत को हासिल करने की कोशिश करें। माह रमज़ान मुबारक में एक वसूल बतलाता हूँ, आप 30 दिन का रोजा रखेंगे सवाब मिलेगा आपको 60 दिन का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फत्तर साइमन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही ला युनकस मिन अजरिही शैयुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी रोजेदार को इफ्तार कराया, चूंकि इसका ताल्लुक भी माह रमजान से है, इसलिए मैं यह हदीस पढ़ता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोजेदार का इफ्तार कराया, रोजेदार को लिए इफ्तारी का इंतजाम किया, तो उस रोजेदार के सवाब की तरह रोजा इफ्तार कराने वाले को भी सवाब मिलेगा और उसके आमाल में, रोजेदार के अमल में कोई अज्र कम नहीं किया जाएगा। इसलिए मोहतरम हज़रात, जब भी आप रोजा खोलें, जब भी आप इफ्तारी के लिए दस्तरखान पर बैठे, कभी अपने दोस्तों को बुला लीजिए, कभी अपने रिश्तेदारों को बुला लीजिए, कभी गरीबों को भी दावत दे दीजिए। मोहतरम हज़रात, मस्जिदों में अगर रोजा खोलने का एहतमाम किया जाता है, अगर मस्जिदों के अंदर इफ्तारी कराने का एहतमाम किया जाता है, नज्म व नस्क होता है कि लोग रोजेदार मस्जिद में इफ्तार करते हैं, हमें चाहिए कि अपनी ताकत के एतबार से, अपनी कोशिश के एतबार से इफ्तारी के लिए मस्जिद के अंदर इंतजाम कर दें। आपको रोजेदार के बराबर सवाब मिलेगा, रोजेदार के बराबर में सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी, हम इतनी चीजें तो नहीं पाते जितना इफ्तारी के लिए इंतजाम हो सकता है, हम एक रोजेदार के लिए तो पूरा इफ्तारी का इंतजाम नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूतिल्लाहु हादस सवाबा, अल्लाह ताला ये सवाब उसको भी नसीब फरमाएगा जो एक घूंट पानी पिला दे, एक खजूर का इंतजाम कर दे, या दूध का एक घूंट इंतजाम कर दे, एक घूंट पानी पिलाने का अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सवाब उसको भी अता फरमाएगा जो रोजेदार के लिए एक घूंट पानी का इंतजाम करता है। मोहतरम हजरात, आप मालदार नहीं हैं,
आपके पास माल कम है, लेकिन आप जो भी इफ्तारी करते हैं उसमें से भी अगर आप 50 रुपए का इफ्तारी अपने घर के लिए खरीदते हैं तो 10 रुपए का इफ्तारी आप मस्जिद के लिए या रोजेदारों के लिए इफ्तार कराइए। इंशाअल्लाह जैसे आप 30 दिन का रोजा रखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको 60 दिन का सवाब अता फरमाएगा। और एक बात फरमाते, बहुत से लोग मोहतरम हजरात, माह रमजान मुबारक से तरावीह का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। आम दिनों में जो आदमी ऐशा के बाद क़यामुल लैल का एहतमाम करता है उसको तहज्जुद का नाम दिया जाता है, और अगर उसी तहज्जुद को लोग माह रमजान मुबारक के अंदर जमात की शक्ल में इमाम के साथ पढ़ते हैं तो उसी को तरावीह का नाम दिया जाता है। मोहतरम हजरात, बहुत से लोग हम में बहुत होशियार होते हैं, वो सोचते हैं कि तरावीह इमाम साहब कम पढ़ते हैं, हम अपने घर में अकेले ज़्यादा पढ़ेंगे, किसी एतबार से काम में पीछे रह गए, कई और बिजी हैं, कई और मशगूल हैं, इमाम के साथ तरावी का एहतमाम नहीं करते। बहुत सारे लोग मोहतरम हजरात, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे समाज और माशरे का हिस्सा है। आप अपने मस्जिदों में भी देखेंगे बहुत सारे लोग तरावी से दूर रहते हैं, तरावी से अलग रहते हैं, सोचते हैं मैं अकेले में नमाज पढ़ूँगा, मैं अकेले नमाज पढ़ूँगा, इत्मीनान से नमाज पढ़ूँगा, सुकून से नमाज पढ़ूँगा। मोहतरम हजरात, ऐसा मत कीजिए। आप इमाम के साथ अगर आधे घंटे भी तरावी की नमाज पढ़ेंगे, आप इमाम के साथ अगर 40 मिनट भी तरावी का नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काम माल इमाम हत्ता यंसरिफ कुतिब लहु कियामु लैलतिन, जो आदमी इमाम के साथ नमाज पढ़ता है, जिस आदमी ने इमाम के साथ कियामुल लैल का एहतमाम किया, तरावी का एहतमाम किया इमाम के साथ, अब वो चाहे इमाम तरावी की नमाज 20 मिनट में पढ़ ले या इमाम के साथ इमाम तरावीह की नमाज 30 मिनट में लगाए या इमाम 40 मिनट में मैं वो तरावीह की नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने भी इमाम के साथ तरावीह की नमाज पढ़ी, यहाँ तक कि इमाम ने सलाम फेरा, यहाँ तक कि नमाज से इमाम फारिग हो गया, कुतिब लहु क़ियामु लैलतिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए पूरी रात नमाज का सवाब लिख देता है। आप इमाम के साथ आधे घंटे नमाज पढ़ेंगे, 40 मिनट नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पूरी रात नमाज का सवाब अता फरमाएगा। ये मेरा कौल नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने इमाम के साथ नमाज पढ़ा, जिसने इमाम के साथ क़ियामुल लैल का एहतमाम किया, उसने गोया की पूरी रात क़ियामुल लैल का एहतमाम करा, पूरी रात नमाज का एहतमाम किया, पूरी रात नमाज का सवाब मिलता है। इसलिए मोहतरम हजरात, आप तमाम हजरात, हम तमाम हजरात को चाहिए कि इमाम के साथ क़ियामुल लैल का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। अब आते हैं मौजू के दूसरे साइड में। कुरान मजीद का माह रमज़ान से बड़ा गहरा रब्त है। किसी शायर ने कहा है कि तुम भी अजीब चीज़ हो अटल बिहारी जी, अटल बिहारी का ज़माना था, किसी शायर ने कहा था कि तुम भी अजीब चीज़ हो अटल बिहारी जी, कोई भी तुम्हारा कोई भी मामला हो अधूरा रहता है अगर प्यार रोज़े से, है अगर प्यार रोज़े से तो मस्जिदें भी लौटाओ, बिना नमाज के रोज़ा अधूरा रहता है, ऐसे किसी शायर ने कहा। तो मोहतरम हजरात, कहने का मतलब ये है कि नमाज ए माह रमज़ान का कुरान मजीद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सही जामे के 3882 नंबर की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस से फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ये रोज़ा, ये नमाज बंदे के लिए शिफात करेंगे, बंदे के लिए सिफारिश करेंगे, मैदान मैसर होगा, हिसाब किताब के लिए बारगाह अदालत अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत लगी होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, अगर किसी सवाल के जवाब में बंदा अटक जाएगा, किसी सवाल के जवाब में बंदा फंस जाएगा, ये दाएं तरफ से रोज़ा आएगा, बाएं तरफ से ये कुरान आएगा, ये रोज़ा आएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन गोयाई देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलने की ताकत देगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकूलु सियामु, रोजा कहेगा, ऐ रब्बी इन्नी मनातुहु ताम वशहवात बिन नहार, ऐ अल्लाह मैं तेरे इस बंदे को दिन में खाना खाने से और बीवी के पास जाने से रोक दिया था। रोजा कहेगा, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा,
मोहतरम हजरात, क़यामत का दिन, क़यामत का दिन सुन कर के हमारे और आपके रोके खड़े हो जाते हैं। ऐसे दिन में, ऐसे मुश्किल घड़ी में, ऐसे खतरनाक पोजीशन में ये रोजा रोजादार के लिए सिफारिश करेगा और कहेगा, ला मैंने इस तरह इस बंदे को दिन में खाने से, दिन में बीवी के पास जाने से रोक दिया था, ए अल्लाह आज ये फला सवाल के जवाब में फंस गया है, ए अल्लाह आज ये किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, ए अल्लाह फशफील फीही, ए अल्लाह इस बंदे के ताल्लुक से मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। खाना हलाल, बीवी के पास जाना हलाल, बल्कि सवाब का बाइस, लेकिन माह रमजान का मुबारक है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तुम दिन के अंदर खाना नहीं खा सकते, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम शरीयत के मुकल्लफ हो, पाबंद हो, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज है, अब तुम्हें रोजा रखना होगा, दिन में खाना छोड़ना होगा, बीवी के पास से जाने से रुकना होगा, अल्लाह के लिए रुके होंगे, ये रोजा आपके लिए सिफारिश करेगा। बाएं जानिब से कुरान आएगा, कहेगा अल्लाह ये कुरान, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बोलने की ताकत देगा, ये कुरान कुरान के पढ़ने वाले के लिए, अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करेगा, अपने पढ़ने वाले के लिए शिफात करेगा, कहेगा अल्लाह मना तुहुत नौम बिल्लैल, ऐ अल्लाह मैं तेरे इस बंदे को रात के अंदर सोने से रोक दिया था, ऐ अल्लाह आज ये तेरा बंदा सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, ऐ अल्लाह आज ये फंस गया है, इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले। और मोहतरम हजरात, हदीस के अल्फाज हैं, जिस बंदे के बारे में अगर रोज़ा सिफारिश कर दे, जिस बंदे के बारे में अगर कुरान सिफारिश कर दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन दोनों के सिफारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेगा। तो रोजे रखने के साथ साथ कुरान मजीद का एहतमाम करें, कुरान मजीद को जरूर पढ़ें। मोहतरम हजरात, अगर हम अपने से पहले असलाफ कराम को देखेंगे, अपने से पहले मुतकद्दमीन को देखेंगे, अपने से पहले नेक लोगों का जमाना देखेंगे, इमाम ज़हबी लिखते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह एक रमजान के अंदर 60 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। कितनी मरतबा? 60 मरतबा। सीर अलामुन्नबला, मनाकिबुश्शाफ़ी या आदाबुश्शाफ़ी के अंदर इमाम शाफ़ी के बारे में ये बात लिखी है कि एक रमजान के अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह 60 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। कोई ताज्जुब की बात है? एक दिन में 24 घंटे में 2 मरतबा कुरान मजीद पढ़ना कोई ताज्जुब की बात है? नहीं, लेकिन उनके अंदर कुरान से मोहब्बत थी, कुरान से उनका रिश्ता मजबूत था, और दूसरे कामों से हटकर माहे रमजान के अंदर कुरान से लग जाते थे, कुरान मजीद पढ़ा करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि एक दिन में एक कुरान पढ़ा करते थे। इमाम कतादा के बारे में आता है कि एक दिन में तकरीबन 20 मरतबा कुरान मजीद पढ़ा करते थे। और आज भी अगर मैक्सिमम टाइम मान लिया जाए कि एक पारे में आधा घंटा लगता है, अगर कोई मुसलमान कोई मोमिन रोज़ाना आधा घंटा पढ़ता है, अगर वो आधा घंटा कुरान के एक पारे में लगाता है, रोज़ाना आधा घंटा पढ़ेगा तो पूरे रमज़ान के अंदर एक कुरान मुकम्मल हो जाएगा। और अगर वही आधा घंटा लगा करके लगाने के बजाय एक घंटा लगा दे, यानी एक पारा रोजाना पढ़ने के बजाय दो पारा लगा दे, तो कुरान मजीद पूरे रमजान के अंदर 2 बार आसानी से खत्म हो जाएगा। और अगर आधा घंटा के एक घंटा के बजाय 1.5 घंटा लगा दे तो आसानी से 3 बार खत्म हो जाएगा। और अगर 2.5 घंटा लगा दे, 2.5 घंटा ज्यादा नहीं, 2.5 घंटा लगा दे तो आसानी के साथ 5 बार यह कुरान खत्म हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है मोहतरम हज़रात कुरान मजीद को पढ़ना, मगर जरूरी आप 24 घंटे में जो महीना नेकियों का महीना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि इनसे हदीस सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, दूर दूर से इनके पास हदीसों के सुनने के लिए आते थे। हदीस के बहुत बड़े मुहद्दिस इमाम मालिक रहमतुल्लाह और लोगों को हदीसें बयान करते थे, लोग उनके पास हदीस को सीखने के लिए आते थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह, लेकिन जब रमजान मुबारक का महीना आता तो अपना ये हदीस का दर्स बंद कर देते थे और कुरान मजीद की तिलावत में लग जाते थे और कहते थे कि ये कुरान का महीना है।
इमाम शाफ़ी इमाम अबू सुफियान सौरी रहमतुल्लाह के बारे में आता है कि ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में और दुनियावी कामों से हट करके, दुनियावी कामों से किनारा कश हो करके रमज़ानुल मुबारक के महीने में कुरान मजीद की तिलावत में लग जाते थे। बहुत सारे सलफ़ सालेहीन के बारे में आता है मोहतरम हज़रात की कई कई मरतबा कुरान मजीद को ख़त्म कर करते। आपको याद है इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह का नाम सुने हैं, और जब बात आई है माहिक और माह रमज़ान कुरान और हमारा ताल्लुक क्या है, सुनिए अहमद इब्न हंबल के बेटे अब्दुल्ला बयान करते हैं। अब्दुल्ला ये अपने बाप के बारे में बयान करते हैं, हमारा बेटा हमारे बारे में क्या तासुर लेगा, हम तो कुरान नहीं पढ़ते, हम तो 11 महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब से गाफिल रहे, अगर हमारा बेटा कुरान मजीद के बारे में हमारा आपका नज़रिया बयान करेगा तो क्या बयान करेगा। मोहतरम हज़रात कभी आपने सोचा, ये अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम इमाम अहमद इब्न हंबल रोज़ाना दिन में एक साथ एक मंजिल पढ़ा करते थे, एक मंजिल रोजाना। ये आम दिनों की बात है, ये आम दिनों की बात है कि एक दिन एक मंजिल पढ़ा करते थे, और कुरान मजीद के अंदर 7 मंजिलें हैं, गोया कि इमाम अहमद इब्न हंबल का 7 दिन में ये कुरान मुकम्मल हो जाता था। और फरमाते हैं कि रात के अंदर, ये तो दिन की बात है, अल्लाह ये इमाम अहमद इब्न हंबल रात में कयामुल लैल में तहज्जुद की नमाज में रात में कुरान को मुकम्मल किया करते थे, और दिन की जो नफलें होती हैं, दिन की जो नफली इबादतें हैं, उनका मामला अलग होता था। ये अपने बाप के बारे में तासुब बयान करते हैं, अब्दुल्ला अपने बाप इमाम अहमद इब्न हंबल के बारे में बयान करते हैं कि मेरे बाप ऐशा के बाद जल्दी सो जाया करते थे, ऐशा के बाद जल्दी सो जाया करते थे, और थोड़ा सा सोने के बाद जब उठते थे तो पूरी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते थे, यहाँ तक कि सुबह हो जाते थे। मोहतरम हज़रात, हमारा और आपका ताल्लुक क्या है कुरान मजीद के बारे में, क्या हमने साल के 11 महीने में पढ़ा है? आप अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके सोचे कि 11 महीने तक हमारा कुरान मजीद से क्या ताल्लुक रहा, क्या रिश्ता रहा। और अगर मुसलमानों साहबे किराम के बारे में आप अगर गौर करेंगे, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, कसम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं, मैं कुरान मजीद के बारे में उस सूरत के बारे में जानता हूँ कि ये सूरत कहाँ नाजिल हुई, मैं कुरान मजीद की उस आयत के बारे में नाजिल जानता हूँ कि यह आयत किसके बारे में नाजिल हुई, और अगर मुझे मालूम हो जाता कि मुझसे ज़्यादा कोई कुरान मजीद का जानकार है, मुझसे ज़्यादा कोई कुरान मजीद को जानने वाला है, मुझे मालूम हो जाता, कौन फरमाते हैं, सहाबी रसूल फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे मालूम हो जाता कि मुझसे कोई ज्यादा जानकार ऐसा कुरान मजीद के बारे में, और मुझे मालूम होता कि कोई ऊँट मुझे वहां तक पहुंचा सकता है, तो मैं ऊँट पर सवार होकर के ऊँट लेता, उस पर सवारी करता और उस कुरान के जानने वाले के पास जाता और कुरान के बारे में उससे इल्म हासिल करता। ये सहाबे किराम थे, ये कुरान मजीद से ताल्लुक रखने वाले थे। मोहतरम हज़रात, हमारा और आपका ताल्लुक कुरान मजीद से कितना है? आज हमने अपनी जिंदगी का शेड्यूल बना रखा है, हमने जिंदगी में, अरे यकीनन कमाओ, आपको रुपया कमाना, आपको दौलत कमाना, अपने फैमिली परिवार वालों के लिए पेट भरने का इंतजाम करना, उनके लिए खाने पीने राशन पानी का इंतजाम करना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये सवाब का काम है, यकीनन है। लेकिन जब रमजान मुबारक महीना आए तो मोहतरम हज़रात अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए भी कुछ हिस्सा खास कर दिया करो। क्या हमने कुरान मजीद को पढ़ने के लिए कोई हिस्सा अपनी जिंदगी में, अपने साल के 11 महीने में, आप अपना जायजा लीजिए, आप अपना मुहासबा किया कीजिए कि हमने अपनी जिंदगी का कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट ये बनाया था कुरान मजीद को पढ़ने के लिए? अगर गौर करेंगे, अगर हिसाब लेंगे तो बहुत सारे सवालों, बहुत सारे लोगों के सवाल का जवाब मनफी में मिलेगा कि नहीं, हमने तो अपनी ज़िंदगी का, अपने सुबह शाम का, अपने रात दिन का ये कोई शेड्यूल नहीं बनाया कि 25 मिनट आधा घंटा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब के लिए खास है। ये मोहतरम हज़रात कब करेंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में से बेहतर वह आदमी है जो कुरान को सीखे और सिखाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु बिल कुरानी
जो कुरान मजीद को अच्छे से पढ़ता है, जो कुरान मजीद को पढ़ने में अटकता नहीं है, वो तो नामे आमाल लिखने वाले फरिश्तों के साथ होगा। वल्लजी यकरउल कुरान व यततातौ फीहि व हुवा शाक्कुन लयफल वजरान। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान मजीद को पढ़ता है और अटक अटक कर पढ़ता है, कुरान मजीद को पढ़ने में उसको भारी जाता है। बहुत सारे लोग कुरान मजीद को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते कि वो पढ़ना नहीं जानते, बहुत सारे लोग कुरान मजीद को इसलिए नहीं पढ़ते कि वो कुरान मजीद को पढ़ने में अटकते हैं। तो सुनो, जो अटक अटक कर पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दो अज्र का वादा किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान मजीद को पढ़ता है और अटक अटक कर पढ़ता है, फलहू अजरान, उसके लिए दो अजर है। यानी एक पढ़ने का अजर है और एक अटक अटक कर पढ़ने, मेहनत से पढ़ने का अजर है। मोहतरम हजरात, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, इक़्रा वरक़ा, ऐ साहिब कुरान, ऐ कुरान के पढ़ने वाले, तू कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा जन्नत के बुलंद बाला इमारत मकान की तरफ चढ़ता जा, तू कुरान मजीद पढ़ता जा। वरत्तिल कमा कुंत तरत्तिल फिद दुनिया, तू जैसा कुरान मजीद को दुनिया के अंदर अच्छे तरीके से तरतील के साथ पढ़ा करता था, बिल्कुल कुरान मजीद को तरतील के साथ पढ़ता जा, जन्नत के मकामात को चढ़ता जा। فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا, तेरा मकाम कुरान मजीद की आखिरी आयत है। तुम जब तक कुरान मजीद को पढ़ते जाओ, जहाँ कुरान मजीद का पढ़ना बंद हो जाएगा, जहाँ तुम्हारी आखिरी आयत होगी, वही जन्नत के अंदर तुम्हारा मकाम होगा। मोहतरम हजरात, जो कुरान मजीद को पढ़ता है, हम भी कुरान मजीद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये महीना माह रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये महीना जिसके अंदर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना जब हमें और आपको मिले, और दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन, मोहतरम हजरात, ये माह रमज़ान मुबारक का महीना यूँ ही नहीं मिल जाता है, बड़ी किस्मत से मिलता है। बड़े बेहतर लोग होते हैं वो जिन्हें ये महीना मिल जाता है। आपने दो तीन साल ये मेहनत के, दो तीन साल ये तंगी के, जिसके अंदर मस्जिद के अंदर जमा होना, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए इकट्ठा होना, हमारे और आपके लिए भारी था। कितने लोग थे जो कोरोना के अंदर, जो महामारी के अंदर चले गए, कितने अजीज, कितने रिश्तेदार जो इस जमीन से, इस दुनिया से जा चुके हैं। मोहतरम हजरात, अभी नहीं मालूम कि किसको मिले रमजान मुबारक का महीना। इसलिए याद रखिए, जिनको भी ये महीना मिलता है वो बड़ा खुश नसीब है, बड़ी किस्मत से ये महीना मिलता है। इसलिए जब ये महीना मिल जाए तो आप इस महीने के अंदर गाफिल न रहे, अजर व सवाब कमाने के लिए जो बेहतरीन मौके, जो अच्छे मौके आपको मिले, आप नेकियां सवाब कमाने और कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत कर लें। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़ऊ बिही आख़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब के ज़रिया से एक कौम को बुलंद फरमाता है और एक कौम को इस किताब को छोड़ देने की वजह से जलील और रुसवा कर देता है। आज हम जलील और रुसवा हैं, तंगी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता, आपका रिश्ता कुरान मजीद से टूटा हुआ है। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद के ताल्लुक से एक मशवरा ये भी दूंगा कि अगर आप एक मरतबा कुरान मजीद को अजर व सवाब की नियत से पढ़ते हैं, जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान मजीद को एक हर्फ को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको 10 नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। गोया कि कोई आदमी अलिफ लाम मीम पढ़ता है उसको 30 नेकियां मिल जाता है। अगर आप कुरान मजीद को एक मरतबा अजर व सवाब की नियत से पढ़ते हैं, लेकिन जब दूसरी मरतबा पढ़ना शुरू करें, मोहतरम हजरात, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें, ताकि आपको मालूम हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फला आयत में, इस आयत में क्या कह रहा है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज़ का हुक्म दिया है, इस आयत में हमारे और आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या पैगाम है। तो मोहतरम हजरात, जब भी कुरान मजीद पढ़ें, अपना रिश्ता माह रमजान मुबारक के महीने में रोजे के जरिया से, कुरान के जरिया से, तिलावत के जरिया से, क़यामुल लैल के जरिया से, इसके कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये कुरान मजीद साहिब कुरान या सल्फ सालहिन का शेवा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बार इलाहा हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। बार इलाहा ये माह रमजान मुबारक का
महीना हो हमें और आपको जब मिले तो इसके रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मोहतरम हजरात ये रोज़ा ही एक ऐसा अमल है जिसके अंदर रियाकारी नहीं है। आप हमसे तो छुपा सकते हैं कि रोज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ा नहीं रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप छुपा नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों के भेज जाने वाला है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा सौमली व अनाजी भी, रोज़ा मेरे लिए है और रोज़ा का बदला मैं देने वाला हूँ। तो मोहतरम हजरात, ये माह रमजानुल मुबारक का महीना रोज़े का महीना है। जब हमें और आपको ये महीना मिल जाए तो इस महीने के पूरे रोज़े रखने की कोशिश कीजिए, कभी ये रोज़ा तक न कीजिए, क्योंकि इस माह का रोज़ा फ़र्ज़ है। इस महीने को, ये महीना जब हमें और आपको मिले तो कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत कीजिए। कुरान मजीद से जो भी गफलत हमने साल के 11 महीने के अंदर बरते हैं मोहतरम हजरात, वो रवैया वो सलूक माह रमज़ान के अंदर हमारा और आपका कुरान के साथ ना रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेलाम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे। बारेलाम हम तमाम लोगों को माह रमज़ान के अंदर नेकियाँ अजर सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की तौफीक अदा फरमाए। बारेलाम तमाम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं तौबा इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक अदा फरमाए। जब तक जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, और जब भी खात्मा हो खात्मा बिलखैर आमीन। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अलअज़ीम व नफ़ानि व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुल मलिकुल बर्रुर रऊफुर रहीम।